इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक सर ये यार सर के नाम के पर आते हैं। सर आप बैठ जाइए। सरस्वती वंदना जय माता सरस्वती कर्म से देश को विकसित बनाने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहेंगे और फिर नदियों के तम पर ही उनका विकास हुआ। ऐसे में सूर्य पुत्री कही जाने वाली नदी तवी के आंचल में फैले जम्मू विश्वविद्यालय का महत्व खास हो जाता है। यूं तो शहर मंदिरों का है, आगे पंच प्रण और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लौ ने जम्मू विश्वविद्यालय के परिसर को आलोक से भर दिया है। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साकार रूप देने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय प्रगतिशील शैक्षणिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी के कारण आई, जिसके गृह मंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उसको बनाने में बड़ी मदद की। आप सबको मालूम है 70,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं, 5,372 प्रपोजल्स हैं, कई जमीन पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में गति और बढ़ने वाली है और पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में दोनों जगहों श्रीनगर में यूए का एक ग्रुप है इमा, वो 10 लाख स्क्वायर फुट का मॉल बना रहा है, आईटी टावर श्रीनगर में भी बना रहा है और आईटी टावर जम्मू में भी बना रहा है। और मैं जम्मू में बात कहना चाहता हूँ, देश नहीं दुनिया की जो बड़ी टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से जम्मू और श्रीनगर दोनों आईटी टावर में उनके दफ्तर खुलेंगे और जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को वहां काम करने का अवसर मिलेगा। 500 से ज्यादा स्टार्टअप पिछले 2.5 वर्षों में शुरू हुए। अजय सिंह जी ने भी अपनी बात में जिक्र किया, 7 दशक तक जम्मू कश्मीर ने अपने रिश्ते छालों नजदीक से देखा था और नई व्यवस्था के अभ्युदय के लिए बिना भेदभाव, ऐसे कानून जो भेदभाव पैदा करते हैं, पुरानी कुरीतियों कुरीतियों को दूर जिन कानूनों से किया जा सके, मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए शरणार्थी वाल्मीकि सफाई कर्मचारी गोरखा समुदाय बहने इन सब में आशा की आकांक्षा की और उनके सपनों की एक नई किरण दिखाई पड़ी और एक नई व्यवस्था स्थापित होने लगी। आदिवासी समाज के वे तमाम बंधु देश भर में उन्हें पता नहीं कब अधिकार मिल गया। मैडम किधर किधर आ रहे हो? राज्य के अन्य नागरिकों की तरह उन्हें भी समान अधिकार मिला। कृत संपदयते चरणा, पूरा समाज पहली बार एक होकर चल पड़ा और मैं समझता हूँ कि अगस्त 2019 के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं सबका साथ सबका विकास की भावना से जम्मू कश्मीर में शांति समृद्धि तथा जन सामान्य की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ हुआ। इस विकास यात्रा के 4 महत्वपूर्ण पहलू में मानता हूं, विकास और विरासत का संतुलन, प्राण ऊर्जा का संगठन यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सशक्तिकरण, नैतिक एवं विकास उन्मुख समाज
और चौथा सामाजिक रूपांतरण द्वारा सशक्तिकरण या इन्वॉल्वमेंट। ये चार पहलू ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अतीत से बाहर निकाला है और उसका पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है।